ये गंदा पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि इसकी नदियां बन जाती है। जो नालियाँ यहाँ पे बाहर चलती हैं वो नालियों में इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि ये पानी रोड तक आत पर आ जाता है। हमें इस गंदे पानी को स्वच्छ बनाने का कोई उपाय निकाले। Our model is sewage treatment plant in which sewage treatment to be done. और इस वाटर को हम प्रोसेस बाई प्रोसेस प्योरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक प्रोसेस पहले होता है रिसीविंग टैंक। रिसीविंग टैंक में जितना भी जो सीवेज वाटर होता है वो इसमें ही कलेक्ट होता है। इसके बाद में ये पानी जाता है स्क्रीनिंग चैम्बर में। स्क्रीनिंग चैम्बर में इसके बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद ये आता है ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर में पानी की जो स्पीड है वो रिड्यूस कर दी जाती है ताकि जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स लाइक स्टोन्स हैं वो इसमें सेटल डाउन हो जाए और रिमूव हो जाए। इसके बाद इसका आता है स्कीमिंग टैंक। स्कीमिंग टैंक में जो भी फ्लोटिंग मटेरियल जितने भी होते हैं जैसे ऑयल ग्रीस जितना भी जो होता है वो इसमें रिमूव हो जाता है। इसके बाद आता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में वेरी स्मॉल स्मॉल जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। आफ्टर बिकमिंग द एरिएशन चैम्बर, एरिएशन चैम्बर में ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है वाटर को ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो सके। उसके बाद आते हैं अपन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो और भी छोटे जो छोटे छोटे मिट्टी के जो कण होते हैं वो रिमूव नहीं हो पाते वो इसमें अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। फिर आता है फिल्ट्रेशन चैम्बर। फिल्ट्रेशन चैम्बर में पानी का जो भी फिल्टर का प्रोसेस होता है वो फिल्ट्रेशन चैम्बर में किया जाता है। फिर आता है डिसइंफेक्शन चैम्बर। डिसइंफेक्शन चैम्बर में इन्फेक्शन को किल किया जाता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूट चैम्बर। इसमें से ये सारा काम कंट्रोल रूम के दायरे में होता है। फिर लैब की जांच होके ये सारा वाटर बॉडीज में सप्लाई होता है। वेस्ट जो पानी है उस पानी को कैसे हम उसको दोबारा साफ करके यूज बनाएं, तो ऐसे जो आइडिया जो बच्चे ने निकाले इन आइडियाज से अपन गंदे पानी को साफ करके दोबारा काम में ले सकते हैं। पानी की समस्या पर एक प्रोजेक्ट बनाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे द्वारा जो पानी यूज में लिया जाता है जो बचा हुआ पानी यानी कि वेस्टेज पानी है हम उन्हें वापस से रिसाइकिल करके यूज में कैसे लें, इस मुद्दे पर हमारे बच्चों ने काम किया। तो बच्चों के द्वारा जो ये प्लांट बनाया गया है अगर इस पर काम किया जाए तो भविष्य में हमारे पानी की समस्याओं से हमें निजात मिल सकती है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो समाज के लिए यूजफुल है वो फिर हम आगे भी फ्यूचर में करेंगे। आगे।